तो बोलिए बाबा साहब की, संविधान निर्माता की। कहना है भैया नेक्स्ट वीडियो में बिजनेस भैया, बहुत ही प्यारा सा भजन आ रहा है, आप लोग जरा गौर करेंगे कि एक सखी दूसरी सखी को समझा करके कह रही है, सुनो ओ बहिना एक बात हम तुमसे बताएं। सुना, अरे द्वारे खड़े बाबा भीम उन्हें आंगन में बुलाना है, द्वारे खड़े बाबा भीम उन्हें आंगन में बुलाना है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं भैया कि हमारे जो रोज नए नए वीडियो आप लोगों को बिजनेस कुमार ढोलक मास्टर यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाते हैं, तो भैया लोगों से कहना चाहते हैं कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और ख़ास करके आप सब लोग ये भी जानते हैं कि जहाँ पे हम लोग ये एल्बम बना रहे हैं, आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप सभी भैया लोग अगर जो गीत पसंद आ जाए तो हमारे बड़े भ्राता श्री शिव कुमार भैया जी जो राधे कैसेट पे आप लोग वीडियो देखते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें बिजनेस भैया। अरे द्वारे खड़े बाबा भीम बहन आंगन में बुलाना है, द्वारे खड़े बाबा भीम बहन आंगन में बुलाना है। दूसरी बहन बोली, बहना बाबा साहब कैसे आंगन में जाएंगे? का बोली भैया बिजनेस है। अंगना में भीम बहना कैसे गई है, अंगना में भीम बहना कैसे गई है, अरे घर में जो बच्चे चारी उन्हें शिक्षा को पढ़ाना है, आंगन में खड़े द्वारे खड़े बाबा भीम बहने आंगन में बुलाना है। आंगन में बुलाना है, द्वारे खड़े बाबा भीम बहने आंगन में बुलाना है। आज वह दूसरी वाली बहन कह रही, बहना यानी बाबा साहब जब आंगन में आएंगे, जब सब अपने घर के बच्चे शिक्षित होंगे, वो बहन कहने लगी, हाँ बहना तभी बाबा साहब आ पाएंगे, उनकी जो विचारधारा है उनका कहना है कि मेरे भाइयों ऐ मेरे समाज के लोगों, एक समय का खाना कम खाना लेकिन अपने अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। कहना है बिजनेस भैया, कैसे गई है, आंगन में भीम बहना कैसे गई है, जब अच्छे आचार विचार बहने आंगन में बुलाना है, द्वारे खड़े बाबा भीम बहने आंगन में बुलाना है।
भीम कैसे आई हैं? बाबा साहब आंगन में कैसे आ गए? शेखर भैया का बोली, आंगन में पहला भीम कैसे आई है, आंगन में पहला भीम कैसे आई है, जब बहुवर के अच्छे संस्कार भी मैं आंगन में बुला की।